मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है, वैक्सीनेशन देखा है, बकायदा पोस्ट कोविड जो रूम है उसमें वो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने सब जगह का खुद जायजा लिया है, किस तरह के हालात अभी आपको दिखाई दे रहे हैं अस्पताल में? देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट वेव में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरेक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना लिए थे। उनकी व्यवस्थाओं को, हर एक पेशेंट के लिए उपचार की व्यवस्था और पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स हम लोगों ने विकसित कर दिए थे। आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स उपलब्ध करवाने के बाद इस बार सेकेंड वेव में हमें पोस्ट कोविड वार्ड की भी आवश्यकता पड़ी, तो हर एक जगह हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में पोस्ट कोविड वार्ड भी बनाए हैं। अभी मैं जिस वार्ड में गया था, ये पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनमें कुछ दिक्कतें थी, तो उसके लिए हम लोगों ने हर राज्य के अंदर हर जनपद में ऐसे पेशेंट के भी पोस्ट कोविड वार्ड में उपचार की व्यवस्था निःशुल्क की है, उनके हर प्रकार की सुविधा वहां पर उनको मिल सके स्किलित की है। तो मैं यही देख, हम लोगों ने विगत वर्ष ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और इसको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। लगभग 200 बेडेड ये हॉस्पिटल है और इसको हम इसी रूप में आगे डेवलप भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप जब खुद ग्राउंड पर आते हैं, जिले जिले अगर आप अस्पताल में खुद जाते हैं, तो कितना अंतर लगता है? देखिए, टीम काम कर रही है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, सभी लोग लगे हैं। हम लोग जमीन पे जाते हैं तो वास्तविक आंकड़े हमारे सामने आते हैं और हर व्यक्ति पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा ये है कि उसके बहुत सारे परिणाम भी सामने आते हैं। मैं पिछले 20-25 दिनों से लगातार फील्ड में हूं और मुझे इस बात को वह है कि उत्तर प्रदेश मैं इसके बहुत बेहतर परिणाम। मुख्यमंत्री, थर्ड वेव की तैयारी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जब जा रहे हैं अस्पतालों में तो थर्ड वेव की सबसे ज्यादा आशंका है। हमने हर जनपद में जहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीआईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार के सहयोग से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और राज्य सरकार ने भी, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई बृहद स्तर पर प्रारंभ कर दी है। आने वाले समय में प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भर होगा। हम पीको और नीको के निर्माण के माध्यम से जहां हर एक जनपद में थर्ड वेव को फेस करने की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एक अतिरिक्त सावधानी हमने बरतनी शुरू की है। 1 जून से हमारे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 18 से 44 के बीच के हर जनपद में होने जा रहा है। अभी ये 23 जनपदों में हो रहा था, हर जनपद में हम करने जा रहे हैं। हमने अभिभावक स्पेशल बूथ के नाम पर भी हर एक बूथ पर हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। जो बच्चे 12 वर्ष से नीचे की उम्र के अभी हैं, छोटी उम्र के हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम इस अवसर पर स्पेशल बूथ पर उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई भी करेंगे, जिससे हम उन्हें थर्ड वेव के पहले ही कोरोना का एक सुरक्षा कवच दे सकेंगे। वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता हर व्यक्ति को और हम लोग गांव-गांव में हर एक जगह इसी बात को कह रहे हैं कि टेस्ट से भी लोग ना भागें और वैक्सीन लेने से भी ना भागें। ये दोनों उनके सुरक्षित भविष्य को के लिए आवश्यक है। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोंडा के सरकारी अस्पताल का दौरा कर रहे थे, हम दिन भर उनके साथ हैं और ग्राउंड पर, यानी कि किस तरीके से जमीन पर उतरकर समीक्षा और जमीन पर उतरकर काम हो रहे हैं, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।